नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा। वैसे मैं आपको यहाँ लाया था दूसरी बातें करने के लिए और आप ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मैं, ये आप बोल रहे हैं या आपकी विदेशी तालीम? ये तो बहुत घिसी-पिटी बात की आपने। क्या कि मुझे भी ऐसा लगा, इसे मैं वापस लेती हूँ, सॉरी। लेकिन अपनी दूसरी बातों पर कायम हूँ। हाँ, लेकिन देखिए, मैं आपको यहाँ लाया था दूसरी बातें कर। वो इसलिए कि उस किस्म का आदमी के लिए आप मुझे कह रहे हैं मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। लेकिन आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मैं बताना चाह रही हूँ, मैं ओवर रिएक्ट। But you are overreacting. मैं बताना चाह रही हूँ, ओके, मैं बताना चाह रही हूँ मैं ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। अच्छा, क्यों क्यों रिएक्ट, ओवर रिएक्ट कर रही हैं, बताइए क्यों? एक्चुअली मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, आप अंडर रिएक्ट कर रहे हैं, बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं और दूसरे लोग भी इसे लाइटली लेते हैं और इसी की मुझे नाराजगी है। देखिए, तो जेंडर्स में आकर्षण तो कुदरती है, जानवरों में भी होता है। लेकिन कुदरत के किसी भी जीव जंतु में आपने जबरदस्ती वाली छेड़छाड़ देखी? हाँ, ये जबरदस्ती वाली बात से तो मैं भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और इस बात की गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगाएं कि जिन समाजों में ये छेड़छाड़ आम होती है वहाँ लड़कियों का कुदरती ढंग से बढ़ना ही रुक जाता है। घर से बाहर निकलना रात का अंधेरा ही एक डर बन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का ऐसे इंसान को, ऐसी प्रवृत्तियों वाले इंसान को ठीक जगह पे लाना। जबकि मैं मानती हूँ दोष इसमें सिर्फ बहल का नहीं रहा होगा, उसके पूरे माहौल का होगा जिसने उसे इस किस्म के एटीट्यूड्स दिए होंगे। अब आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे थे? आपको हमारे साथ सीतापुर चलना होगा। कम्युनिटी मीट एड्रेस करने के लिए, वहां के पिछड़े हुए लोगों को ऐसी जागरूक बातें सिखाने के लिए। जागरूक? मैंने गलत महसूस बात की नहीं, पर इतना सब कुछ होते हुए भी महल वाले वाकयात में पहले मैं खुद संकोच में आ गई कि इसका जिक्र अपनी फोर्स से करूं या ना करूं। संकोच माने हेजिटेशन, तो जागरूक लोगों को भी संकोच होता है। अब देखें, जैसे कि मैं आपसे कुछ दो बातें करना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे वो बातें करने में कुछ संकोच हो रहा है। ताकि मैं अपने आप को एक जागरूक और लिबरल इंसान समझता हूँ, लेकिन बसेरी आ गया, अभी शहर यहाँ से कुछ दूर है, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं वो निपटा लूँ, उसके बाद मैं आपसे वो दो बातें करूँगा जिनके लिए मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बीच बीच में मुझे पका कुछ हौसला देकर आना पड़ेगा, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। मार क्यों रहा है? गुस्से वाला है तो गुस्से में आके ऐसे मारते हैं बीवी को? गुस्से वाले आदमी तो ऐसे ही करते हैं अपनी औरत के साथ।
फाइल्स भिजवा देना। जी सर, कुछ चाय वगैरह? नहीं, अब चलूंगा, देरी हो गई। थैंक यू। मेरे साथ एक दूसरी अफसर भी हैं। अरे सर, तो उन्हें भी अंदर ले आते। नहीं बस चलें, अब चलेंगे ना। मिस्से आप लोग कौन है? वो यहाँ मिसिंग है वो। यू सी दिस इज द हस्बैंड, द वन नियर द विंडो, नियर द विंडो, एंड दिस वन नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी इज द वाइफ। एंड कैन यू इमेजिन दिस हस्बैंड, दिस क्रिमिनल ऑफ अ हस्बैंड वाज बीटिंग हिज ओन वाइफ ब्लैक एंड ब्लू व्हेन ही जस्ट चांस टू सी देम। अब तो अफसोस हो रहा है कि वो भी थाने जाके होगा, पर पहले तुम्हारी बीवी को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। पहले इसकी बीवी को अस्पताल लेके जाएंगे उन चोटों के लिए जो तुमने उसे दी है। सुन रहे हो बेशर्म आदमी? पता नहीं जब ऐसी प्रवृत्तियां अंदर भरी होती हैं तो ये लोग शादी क्यों करते हैं। और तुम सोच समझ के नहीं हाँ कर सकती थी शादी को? नहीं, वर तो माँ बाप ने चुना होगा ना, लेकिन तुम ना तो कर सकती थी रिश्ते को कि मैं तो सोच समझ के ही हाँ करूंगी शादी को, ऐसे नहीं करूंगी। एक तरफ देखो तो कोई अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, दूसरी तरफ यहाँ घर के अंदर ही अत्याचार हो रहा है। शादी ना हुई, खतरा मोल लेने वाली बात हो गई। है कोई फायदा ऐसी शादियों से? क्यों? आप मुझे कुछ कह रही हैं? जी हाँ, जरा यही रोकेंगे, मैं रास्ता पूछ लेती हूँ। सुनो भैया, सुनो भैया। हाँ जी। ए भैया सुनो, इधर पास में अस्पताल पड़ेगा? पास में अस्पताल जी, यहाँ तो कोई अस्पताल बाराबंकी अस्पताल, किसी ने बताया यही है। बाराबंकी? हाँ जी। आप यहाँ से सीधा जाइए। हाँ। तो वहाँ एक आपको मोड़ मिलेगा। अच्छा, मोड़ मिलेगा? नहीं नहीं, मोड़ से आप और आगे जाइए। मोड़ से आगे जाइए तो उधर दूसरा एक मोड़ मिलेगा। दूसरा एक मोड़ मिलेगा, मोड़ से आगे जाइए। तो और जाते रहेंगे तो वहाँ एक मोड़ मिलेगा, मोड़ से आप दाएं मुड़ जाइए। मोड़ से दाएं? पहला मोड़ में नहीं जाना, दूसरे में नहीं जाना, फिर एक मोड़ आएगा, वहाँ से दाएं। दाएं आप जाओगे तो दाएं जाते रहोगे तो वहाँ एक दूध की डेयरी है। दूध की डेयरी? उसके पास? नहीं नहीं, उसके पास में एक हलवाई की दुकान है। हलवाई के सामने? नहीं नहीं, वहाँ आप थोड़ा और आगे जाके वहाँ किसी से पूछिए, कोई भी बता देगा। नहीं है डेयरी, आएगी हलवाई वहाँ, नहीं समझ में नहीं आ रहा। आप वहाँ किसी से पूछ लीजिए, कोई भी बता देगा। बता देगा हलवाई के दुकान में जाके किसी को भी पूछ लो। अच्छा, वहाँ बोर्ड होगा, देख लेंगे खुद ही। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। बाराबंकी का अस्पताल ऐसा सीधा जाते जाएंगे, मोड़ आएगा, मोड़ आएगा, अभी कितने मोड़ आएंगे समझ नहीं आ रहा। इधर से सीधा जाने? इधर नहीं है, इधर है। ठीक है ठीक है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। इसकी इतनी पिटाई की है कि कोई दुश्मन की ना इतनी पिटाई करे।
वक्त कैसे निकल गया ना पता ही नहीं चला। एक्चुअली जो रेस्ट हाउस जाना पड़ गया ना मेरा बैग लेने, उसने बहुत समय ले लिया। शायद उसी ने बहुत समय ले लिया। आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे तंग आ गए? आपने कोई नाराज होने वाली तो बात ही नहीं की। हाँ बहुत जरूरी था, अगर लेकिन फिर भी खुश नहीं। मैं उसे मेकअप करूंगी। आइए दफ्तर में चाय के साथ वो दो बातें करते हैं। नहीं मैं चलूंगा। आपको भी देर हो रही होगी ना अपने काम पे जाने की। अगर आप ऐसा ही सोचना चाहती हैं तो ऐसा ही सोचिए। गुड नाइट मिस सिंह। आप और कुछ नहीं कहना चाहते थे? मैं आपके और आपके काम के बीच नहीं आना चाहता। गुड नाइट मिस। गुड नाइट। इतनी सारी फाइल्स? जी जी हाँ सर। ठीक है रख दो, मैं देख लूंगी। मैं आपके और आपके काम के बीच में नहीं आना चाहता मिस सिंह। काम के बीच तो जब आप नहीं भी होते तब भी चले आते। हेलो हेलो नमस्कार माँ जी। ओ सॉरी सॉरी, हम तो बताना भूल गए थे, अभी देर है। सर होल्ड कीजिए। हेलो 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 हेलो, किसका फोन विष्णु? सर कट गया, माजी का था। अच्छा फिर से मिला दो। नहीं सर घर से नहीं था, अस्पताल से था। अस्पताल से क्या हुआ? नहीं सर उनका नहीं, वो कोई सहाय साहब। सहाय बिलासपुर वाले सहाय? नहीं सर। हाँ साहब एक मिनट रुकिएगा, हम कागज से मैसेज भर के बताते हैं। बताओ जल्दी बताओ। कोई लड़की थी। हेलो हेलो कल्याणी। हाँ माँ क्या हुआ, सब ठीक है? तुम कहाँ थी, हम सारी शाम तुम्हारा आता पता ढूंढ रहे थे।
हाँ वो शाम को जरा ऐसे ही क्या हुआ, साहे साहब भी यहाँ आए हैं? देखो तुम बस फौरन यहाँ अस्पताल चले आओ। क्या हुआ है माँ, सब ठीक है? वो बस तुम जल्दी से पहुंच जाओ यहाँ। पता बताओ साहे साहब जरा। हेलो कल्याणी, मेरा मतलब है, हेलो मैडम। हाँ हेलो अंकल, अंकल सब ठीक है ना? नहीं मैडम, वो सुमन। सुमन? वो आपकी सहेली सुमन। हाँ हाँ सुमन, बनारस में शादी हुई थी उसकी। नहीं मैडम, वो ससुराल वाले एक महीने से यही लखनऊ आ गए थे। अच्छा तो मैडम उन्होंने तो सुमन को, यानी मेरा मतलब है सुमन ने तो। अरे भाई जल्दी करो ना मैडम। हाँ भाई कर तो रहा हूँ। तो मैडम सुमन ने तो, अरे भाई कम से कम नहीं तो ये तो वो तो करके रखा है, हमारा भी पेशेंट बीमार है, केमिस्ट की दुकान बंद हो जाएगी। कमाल है यार। भाई कहाँ ना कर रहा हूँ। करो ना मैडम, वो बात ये है कि यहाँ लंबी लाइन लगी है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए मैडम, वो सुमन का एक्सीडेंट हो गया है। हेलो मैडम, मैडम पता पता बताइए। हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल सदर, सदर बाजार। वार्ड जहाँ जले हुए पेशेंट्स को रखते हैं। बंस वार्ड। कौन सा डॉक्टर है ड्यूटी पे? सुमन से वास्तव करके पूछना। राइट बर्निंग केस है ना मैडम? आइए, एक तो है श्रीमा भार्गव, एक शिखा बंसल, एक 42 बेड, नहीं 42 बेड खाली हो गए हैं। सुमन ना? हाँ सुमन श्रीवास्तव, बेड नंबर 47। आइए। तो फट गया था मैडम, और साड़ी नायलन की पहनी हुई थी, बस एकदम से जल्दी। हाँ तो फिर शोर सुन के आपने बचाया नहीं उसे? डॉक्टर आप बात तो सुनिए उनकी। और मैं भी घर में नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, अगर इनकी लड़की होती ना तो पता चलता। अरे मैडम आ गई। लीजिए अब इनसे बात कराइए इन लोगों की। आओ कल्याणी जल्दी। क्या हो रहा है डॉक्टर? करो बात। अब इनकी बात कराइए मैडम से। नहीं मैं तो अपने ही तौर पर पूछताछ कर रही थी। पुलिस स्टेटमेंट हो चुका है ना इनका? yes. ऑफिसर मेरा ख्याल पेशेंट का तो पुलिस स्टेटमेंट हो चुका है। नहीं मैं उसकी। डॉक्टर ये मेरी लड़की की फ्रेंड है। ओह अच्छा, कैसी है वो डॉक्टर? सीरियस आई एम अफ्रेड, 70% बर्न्स है। मिलना चाहती हैं? हाँ प्लीज। मेरी बेड नंबर 47 के जो पेशेंट है उनको एक ऑफिसर मिलना चाहती है, उनकी फ्रेंड है। क्या बताएं? मिलवा दे रहा। तकदीर है उसके, और तो क्या कहें इसे? सिस्टर वार्ड में ले जाओ। यू मे गो ऑफिसर। थैंक यू डॉक्टर। मैडम आप ही को देखना है सब कुछ, आप ही का भरोसा है हमें। हाँ आप ही के सहारे हैं मैडम। हाँ